नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यार, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, मुझे यही एक अच्छा लगा पूरे एक्सरसाइज में, बढ़िया है। देखते हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, डी इज पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी इज इक्वल टू 1/3 बीसी एंड प्रूव दैट 9AD² इज इक्वल टू 7AB². एक तो यहाँ पे आइडिया नहीं लगता कि ये पाइथा बेस है कि नहीं है, और ट्रायंगल राइट एंगल भी नहीं है, इक्विलेटरल है। चलो पहले हम ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, अमिताभ बच्चन। अब देखो डी मिड पॉइंट नहीं है, 1/3 ऑफ बी सी, तो समझो कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ डी, दिस इज 1/3, बी डी, बी डी और बी डी, ऐसा करके बी सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बी सी इज इक्वल टू 3 बी डी हो जाएगा, राइट इसका मतलब ये है। अब क्या है, प्रूव डैट 9AD², तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इज इक्वल टू 7AB², तो ये यहाँ पे कहीं पे भी एंगल 90 तो है ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी एंगल 90 तो है ही नहीं, तो पाइथा कैसे लगाएंगे। तो देखो अब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब भी मैं कोई मीडियन ड्रॉ करूँगा बीच में, समझो ये एक मीडियन अगर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे मिड पॉइंट्स होगा ना मीडियन, ये मीडियन, अगर मैंने कोई ये मीडियन ड्रॉ किया तो इसका नाम मैं लिख लेता हूँ ई, ई ई ई, ये मीडियन ड्रॉ किया हमने, तो क्या है प्रॉपर्टी, मीडियन अगर ड्रॉ किया तो वही हो जाएगी उसकी हाइट परपेंडिकुलर, बस यही आपको याद रखना है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन बिकम हाइट एल्टीट्यूड, वही होगा। तो अब जाके ये पाइथागोरस में सेट होगा, देखो ये AD² भी हाइपोटेनस हो गया, AB² भी हाइपोटेनस हो गया। अब ये मजे की बात क्या है, ये सब साइड इक्वल है, सब भी साइड है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। और क्या करना है, देखो ये जो है पोर्शन जो हमने आगे के समय किया था, BD हो, DE हो या EC हो, कुछ भी हो, उसको BC के फॉर्म में लाना है। ये BD को BC के फॉर्म में तो है ही, कि जहाँ जहाँ मुझे 3BD लिखेगा मुझे वहाँ BC जोड़ दूंगा, BC लिख दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, देखते आगे क्या क्या होता है। चलो तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये है गिवन हमारा, और ये हमें करना है टू प्रूव, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। मैं यहाँ से लिखूंगा प्रूफ, पहले ये लिख देता हूँ, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन बिकम एन अल्टीट्यूड, मीन्स क्या होगा, AE परपेंडिकुलर टू BC एंड BE इक्वल टू EC, परपेंडिकुलर भी हो रहा है और मिड पॉइंट भी हो रहा है। चलो ये तो क्लियर हो गया, अब क्या करेंगे हम, देखो तो मैंने पहले ही बोला था कि लास्ट में जब भी कुछ भी आए BC में कन्वर्ट करना है सबको, तो BD भी BC में कन्वर्ट हो गया। अब देखो मैं अगर एक पाइथागोरस अगर मैंने यहाँ पे लगाया, समझो कि पाइथागोरस यहाँ पे लगाया, तो ये इस पे कौन आएगा, DE, तो DE को भी BC में कन्वर्ट करना है, DE को भी BC में कन्वर्ट करना है, और एक पाइथागोरस अगर ये आधे ट्रायंगल में लगाया तो BE को भी BC में कन्वर्ट करना है। ये तो है ही कि भाई BE इक्वल टू EC है, अगर ये BE इक्वल टू EC है
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बी ई इज वन हाफ ऑफ बी सी। बी की जगह मुझे क्या लिखना है, वन हाफ ऑफ बी सी मीन्स बी सी बाई टू। और ये डी ई की जगह क्या लिखना है, बोलिए डी ई की जगह क्या लिखूंगा मैं, डी ई क्या होगा। तब देखो बी ई इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ई होगा, इतना इतना तो होगा। अब मैंने क्या बोला था कि ये डी ई की जगह मुझे लिखना है, डी ई इक्वल टू क्या होगा, टी ई इक्वल टू होगा बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी। अब देखो बी ई क्या है, बी ई क्या है बी सी बाई टू, और बी डी क्या है, बी डी क्या है ना गिवन में ये रहा, तो ये बी डी, बी डी क्या है देखो बी सी बाई थ्री, ये है बी सी बाई थ्री, पता चला कि नहीं, ये गिवन है। देखो बी डी, बी डी की जगह मुझे क्या लिखना है, वन थर्ड बी सी, बी डी की जगह वन थर्ड बी सी, वन थर्ड बी सी यानी कि बी सी बाई थ्री। तो इसका एलसीएम क्या होगा, सिक्स, थ्री बी सी, थ्री बी सी, अरे यार थ्री बी सी में से टू बी सी काटेंगे ये सिक्स एलसीएम, तो क्या बचेगा बी सी बाई सिक्स। तो ये मुझे डी ई भी मिल गया, ये मुझे बी ई भी मिल गया, एवरीथिंग इज ऑल सेट, बस हमें कूद पड़ना है अभी। और ये भी लिखना है कि हमारे पास ये तो है ही, ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू ए सी। चलो तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये नंबर वन, इसको यूज़ करेगा नंबर टू, इसको यूज़ करेगा तो नंबर थ्री। तो अब हम जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में, जहाँ राइट एंगल है ई, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाएंगे, कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, तो क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल ई इज इक्वल टू 90, राइट, एंगल इज इक्वल टू 90। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ए बी इज हाइपोटेनियस, सो दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, वन टू थ्री, तो ये हो गया हमारा फोर। सेम वे अगर इसमें जाना है तो इन ट्राइंगल ए ई डी एंगल ई इज इक्वल टू 90, ये वाला जो मैंने शेडेड बनाया ना वही, तो उसमें हाइपोटेनस ए डी है, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइव। अब आगे हमने कैसे किया था कि मुझे ये देखो, ये देखो, ये एक तो ए डी का ज़रूरत है, ए बी का भी ज़रूरत है, बी ई इस पे है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे बी ई को बी सी में, तो इसकी ज़रूरत है, डी ई इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम बी सी में, इसकी भी ज़रूरत है, ये कुछ काम का नहीं है, तो इसको निकालने के लिए दोनों को हम सबट्रैक करेंगे, क्या करेंगे सबट्रैक, ए और इसको सबट्रैक करेंगे। तो अब मैं ये सीधा लिख रहा हूँ, देखो फ्रॉम फोर एंड फाइव ये दोनों को सबट्रैक कर रहा हूँ, माइनस द लेफ्ट वाला, और लेफ्ट वाला माइनस क्या होगा, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, चलो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ये लेफ्ट और लेफ्ट वाला माइनस क्या होगा कि भैया ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो गया क्योंकि हमने ये देखो ऐसा हो जाएगा, ये और ये, तो ये जाएगा, ये और ये सबट्रैक होगा, और ये और सबट्रैक होगा तो क्या होगा बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर हो गया। तो अब सब में वैल्यू डालने का टाइम आ गया, सब में वैल्यू, तो एक तो ये तो हमें चाहिए ही है, ए बी और ए डी तो चाहिए, तो बी ई की जगह क्या लिखेंगे हम बी सी बाई टू, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम बी सी बाई टू उसका स्क्वायर, और डी ई की जगह क्या लिखेंगे हम बी सी बाई सिक्स उसका स्क्वायर, राइट, ये तो चलता ही रहेगा,
ये वाला तो चलता ही रहेगा, लास्ट तक चलता रहेगा, सो दैट ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर क्या होगा, बी सी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी सी स्क्वायर बाय 36 हो गया। अब देखो क्या होगा, ए बी बी सी ए सी, जहाँ बी सी है वहाँ ए बी डाल लो, जहाँ जहाँ बी सी है वहाँ ए बी डाल लो, क्या होगा, सो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाई 4 एंड ए बी स्क्वायर बाई 36। तो क्या करेंगे हम, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना होगा, राइट हैंड साइड का पूरा कर ले पहले, इस साइड का एलसीएम ले लेके सबका ले, इस साइड का पूरा कर लेते चलो, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा 36, 36 होगा तो इसको मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना, इसको 1 से, तो फिर क्या हो जाए ऊपर 9 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो 9 में से एक ए बी जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर 8 ए बी स्क्वायर बाई 36 राइट। अब यहाँ से कट होगा, देखो क्या कट होगा, चार चार कट होगा ना, तो 4 2 जा और 4 9 जा, जो बचा एक बार लिख लेते हैं हम, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर अपॉन 9, 9 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 ए बी स्क्वायर 9 ए डी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर, तो भैया तू चला जा उधर, तू इधर आ जा, सो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर, ये दोनों सबट्रैक हो गए, कितना हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर, हो गया प्रूव हमारा, हैंस प्रूव इट। तो ये मेरा वाला सबसे बढ़िया है मेरे लिए, मुझे बहुत ही पसंद है। अब अगर हमने यहाँ पे ये जो यूज़ किया, अगर लिखना है तो लिख लो आप कि बी सी बाई 2 कहाँ से लाए, फ्रॉम 1 एंड 2, लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2, तो बहुत ही बढ़िया है सम। एक बार देख लो आप क्या क्या करना है, अच्छी तरह से देख लो।